अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें हमें पाप ही लगेगा। तो इस प्रकार अर्जुन कृष्ण को भी हिस्सेदार बना रहा है, भागी बना रहा है, जैसे कि कृष्ण को भी युद्ध करना है, वो भी चाहते होंगे युद्ध करना, जैसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी युद्ध करवा कर। और यहाँ तक कह रहे हैं कि देखो, इनको मारकर तो हमें पाप लगेगा, माने कृष्ण को भी पाप लगेगा। हम अपनी मूर्खता में उसी पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं जो हमें सही दिशा देने का प्रयास कर रहा होता है। इसी क्रम में आगे अर्जुन कह रहे हैं 37वें श्लोक में कि अतएव हे माधव, अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। देखो, फिर अर्जुन अपनी अयोग्यता तो बता ही रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझसे ये नहीं होगा, अगर ये सब करेंगे तो ऐसा पाप हो जाएगा। तो अपनी अयोग्यता तो बता ही रहे हैं, अपनी असमर्थता तो बता ही रहे हैं अर्जुन, जिस प्रकार हम बताते हैं। पर अपनी असमर्थता को, अपनी अयोग्यता को अर्जुन छुपा रहा है कृष्ण को भी साथ लेकर के, कि हम इन लोगों को मार सके इतने इसके योग्य नहीं है। अब अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, अर्जुन गांडीव नहीं संभाल पा रहा है। तो ये तो अर्जुन की स्थिति है ना। अर्जुन ये कैसे कह सकता है कि सामने जो कृष्ण खड़े हैं वो भी इस काम को करने में अयोग्य हैं? किंतु जब अहंकार हर तरफ से घिरा होता है, जब अहंकार पर चोट लगने वाली होती है, जब असली परीक्षा की घड़ी होती है, तब अहंकार बस बहाने खोजता है। उसे बचने के लिए, अर्जुन को किसी तरह युद्ध से बचने के लिए सिर्फ बहाने चाहिए, वो बहाने ढूंढ रहा है। और यही हम करते हैं, जब असली लड़ाई हमारे सामने होती है तो हमें हर तरह के बहाने दिखाई देने लगते हैं। हम ऐसी ऐसी मूढ़ताएं करने लगते हैं जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। जब असली युद्ध सामने होता है तो डर, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, पहले तो ये सब हमारे सामने आते हैं, मोह फिर हम पर छा जाता है अगर अपने हैं सामने तो, कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाले पाप हम पर छा जाते हैं, अनेक तरह की दलीलें हम पेश करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि जो असली लड़ाई है उससे बच सकें। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। एक तरफ तो अर्जुन कह रहे हैं कि अपने ही कुटुंब को मारकर हम लोग कैसे सुखी होंगे, माने कुटुंब जो है अर्जुन का भी है, कुटुंब कृष्ण का भी है। अब उसी कुटुंब के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मारो, तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, यही उचित कर्म है, और इसी कर्म पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ इस कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म करो। इसी कुटुंब को मारने के लिए कृष्ण कह रहे हैं और उसी कुटुंब को अपना कहकर उससे भागने की बात अर्जुन कह रहे हैं। अब एक ही कुटुंब के बारे में दो दो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, दो लोगों की अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, पर इतनी भिन्न मान्यताएं हो, इतनी भिन्न धारणाएं हो, ये बात जरा जचती नहीं। एक बिल्कुल कह रहा है बिल्कुल नहीं मारना, और एक कह रहा है कि अभी मारना है और अभी करना है युद्ध। तो बात फिर यहां दो व्यक्तियों की नहीं है, बात है एक उस व्यक्ति की जो संसार में लिप्त है, जो अहंकार के चलाए चल रहा है, जो अधर्मियों को, पापियों को, शोषकों को, अत्याचारियों को, क्रूर लोगों को अपना कहकर उन्हें मारने से पीछे हट रहा है, और एक है वो जो देख पा रहे हैं कि सामने अगर
जो लोग खड़े हैं उनसे युद्ध नहीं किया गया, उनको अभी समाप्त नहीं किया गया, तो भविष्य में संसार का जो अहित होगा उसकी कल्पना बहुत भयानक है। क्योंकि जब सत्ता, जब शक्ति, जब ताकत गलत लोगों के हाथों में होती है तो उसका दुरुपयोग क्या होता है, ये आप सब लोग भी अगर अपने जीवन में देखें तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपके जीवन में भी, आपके घर में, आपके समाज में, आपके राज्य में, आपके देश में अगर गलत व्यक्ति के पास ज्यादा ताकत है तो किस तरह से आपकी आजादी, आपकी मुक्तता, आपका खुलापन, आपका आनंद, शांति सब छिन जाता है। एक घर में अगर बाप हो जो बिल्कुल घटिया इंसान हो, पगलाया हुआ हो, अनपढ़ गंवार हो, ऐसा हो जो सिर्फ शोषक हो, अत्याचारी हो, क्रूर हो, तो सारे घर के लोगों की शांति भंग कर देता है, उनके जीवन पर काली छाया की तरह मंडराता रहता है। और अगर घर के सदस्य डरे हुए हैं, कमजोर हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है तो वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो एक तरफ कृष्ण है जो देख रहे हैं कि गलत व्यक्ति के हाथ में अगर ताकत होती है तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो फिर बात यहां अपने पराये की नहीं रह जाती, बात यहां साधारण युद्ध की नहीं रह जाती, बात यहां धर्म और अधर्म की आ जाती। क्योंकि जहां समस्त मानवता का, प्राणी मात्र का कल्याण हो, जहां उन पर अत्याचार होगा, उनका शोषण होगा, या उनके लिए उनका उत्थान होगा, उनके लिए सही काम होंगे, इन दोनों को देखा जा रहा है, माने संसार के कल्याण को देखा जा रहा है, वहां बात फिर धर्म युद्ध की हो जाती है। तो कृष्ण देख रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये कोई अपने पराये का युद्ध नहीं है, ये कोई राज्य या लालच के चलते किया जाने वाला युद्ध नहीं है। ये युद्ध इसलिए नहीं किया जा रहा है कि तुम्हें बदला लेना है, या तुम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो, घृणा करते हो, बल्कि ये युद्ध किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह धर्म युद्ध है। और अभी जो ताकत है वो गलत हाथों में है, और वो अगर गलत हाथों में ही रह गई तो पूरे भारत का सत्यानाश हो सकता है। तो जो व्यक्ति ये सब देख पा रहा है, जो व्यक्ति ये सब जान पा रहा है, वो कैसे चुप रहेगा? वो क्यों नहीं कहेगा कि तू मत देख के सामने कौन है, तू युद्ध कर, ये तेरा धर्म है, ये तेरा कर्तव्य है। और हम होते हैं अर्जुन जैसे और कह देते हैं कि देखो हम दोनों को तो कोई फायदा होगा नहीं। अरे भाई, वो फायदे के लिए तो युद्ध करवा ही नहीं रहे और तुम कह रहे हो कि कोई फायदा नहीं होगा। तुम कह रहे हो कि हमें अपने ही कुटुंब को मारकर सुख की प्राप्ति नहीं होगी, कैसे सुख की प्राप्ति होगी? अरे तो उनको सुख चाहिए भी नहीं। अभी क्या सुखी हो? मान लो कि नहीं मार रहे हो, मारकर सुख नहीं मिलेगा, पर क्या अभी सुखी हो? अभी परेशान हो, अभी क्रूरता हुई है, अभी अत्याचार हुआ है, अभी अन्याय हुआ है तुम पर, तभी तो तुम मैदान में आए थे ना युद्ध करने, तभी तो तुम्हें इतना क्रोध आ रहा था ना, इसीलिए तो तुम बदला लेने की भावना से युद्ध की तैयारी कर रहे थे ना। क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभी सुखी नहीं हो। तो भविष्य में सुखी होगे या नहीं होगे इसकी कल्पना के कारण, इसके बारे में सोच सोच कर आज जो उचित कर्म है तुम उससे पीछे क्यों हट रहे हो? लेकिन अर्जुन भैया हैं वो, तो कहां उनकी इतनी बुद्धि चलती है, उनको तो मोह ने घेर रखा है। और सिर्फ मोह ही नहीं, हो सकता है कि सामने इतनी बड़ी सेना देखकर वो भी भयभीत हो गए हो, तो डर भी छाया हुआ हो, डर गए हो कि कैसे मारूंगा इन सबको। तो जिस प्रकार अर्जुन यहां भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि हमें सुख की प्राप्ति कैसे होगी, उसी तरह हम भी सोचते हैं। हम ये नहीं देखते कि आज हमारी हालत कैसी है, क्या आज हम सुखी हैं, क्या आज हम शांति से रह पा रहे हैं, क्या आज हमारे साथ न्याय हो रहा है। और कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि बेटा आज तुम्हारी हालत देख लो, तुम्हारे साथ कितना कुछ हुआ है, जबकि अधिकार तुम्हारे पास थे, उस समय शासन तुम ही कर रहे थे, राज्य तुम्हारे अंतर्गत था, तुम ही चलाते थे सब कुछ, उसके बावजूद भी तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और जब ये सब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, कोई अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तुम क्या कर लोगे? और देखो इन्हें, ये सुई की नोक बराबर भी तुम्हें जमीन देने को तैयार नहीं है, और तुम बात कर रहे हो कि हमें सुख कैसे मिलेगा,
अभी अगर सुखी होते तो फिर भी बात थी, पर अभी क्या तुम सुखी हो? और अगर जीत भी गए तुम, तो तुम कृष्ण को क्या सुख दे दोगे? कौन सा सुख है जो उनके पास नहीं है? एक आत्मज्ञानी है, एक गुरु है जो तुम्हें धर्म अधर्म बता रहा है। अगर उनके बताए रास्ते पर तुम चल भी लिए, कुछ पा भी लिया, तो हमें क्या लगता है? हम ये सोचते हैं कि हमारे माध्यम से ये कुछ पाना चाहता है, ये अपना प्रचार प्रसार करवाना चाहता है। आज अगर कोई गुरु होता है, वो हमसे कहता है, देखो धर्म ये है, तुम्हें इस रास्ते पर चलना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो हम क्या सोचते हैं कि देखो ये हमारा उपयोग करके खुद सुख पाने की सोच रहा है। अरे भाई, उसे सुख चाहिए ही नहीं तुमसे, तुम्हारे संसार में वो सुख है ही नहीं जो उसे उपलब्ध है। वो पहले से ही सुखी संतुष्ट है, आनंदित है, तुम कुछ नहीं दे सकते उसे। वो तो बस इसलिए कह रहा है तुमसे ताकि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। होते हैं कई लोग, जब किसी संत की, किसी ऋषि की, किसी गुरु की, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की अगर ऊंची ऊंची पुस्तकें आप उनको पढ़ोगे, तो आपके आसपास के लोग भी कहेंगे, घर वाले भी कहेंगे कि देखो उसने तो किताबें लिखकर बेच दी तुम्हें, उसने तो पैसे कमा लिए और तुमने खर्च कर दिए, तो वो तो यही चाहता था। तो कोई असली गुरु भी होगा, कोई असली बात असली नकली गुरु की होती नहीं। गुरु गुरु होता है अगर वास्तव में वो गुरु है तो जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, धर्म की बातें बता रहा है, क्या करने योग्य और क्या नहीं ये बता रहा है, तुम उसके जब करीब जाते हो तो समाज और समाज के लोग तुमसे यही कहेंगे कि वो तो तुम्हारा उपयोग करना चाह रहा है ताकि उसका खुद का प्रचार हो सके। अरे बेटा, उसे तुम्हारे संसार से कोई मतलब ही नहीं है, उसे ना कोई सुख चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, और ना ही उसे कोई पाप लगता है। वो तो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है कि तुम अपने जीवन में ये जो शोषित हो, ये जो अन्याय तुम्हारे साथ हो रहा है, ये तुम्हारे साथ ना हो और संसार के साथ ना हो। चूंकि तुम दुखी हो इसलिए वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। पर हम तो ठहरे अर्जुन भैया, हम थोड़े ना वैसा सोच पाते, हम तो अपने ही तल की बातें सोचते हैं ना, इसलिए फिर हम भी उन्हें ही कह देते हैं कि देखो ना तो तुम्हें सुख मिलेगा ना मुझे सुख मिलेगा। अपनों को मारकर किसी को सुख नहीं मिलता। और आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन कह रहा है कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। क्या कह रहे हैं अर्जुन कि देखो ये लोग तो लोभ से भ्रमित हैं, लालच इन पर छाया हुआ है, इनके मन मस्तिष्क पर, इनके चित्त पर, इनके विवेक को लालच ने हर लिया है, मदहोश है ये नशे में लालच के, तो इस कारण ये लोग तो देख नहीं पा रहे। क्या नहीं देख पा रहे कि कुल के नाश से क्या क्या दोष होते हैं, ये लोग नहीं देख पा रहे। कौन लोग नहीं देख पा रहे? दुर्योधन आदि। और मित्रों से विरोध करने में पाप को भी नहीं देख पा रहे हैं ये। तो यहां पर एक तो अर्जुन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये लोग तो, आगे वो खुद कह रहे हैं, तो भी है जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? तो वो कह रहे हैं कि देखो इनको तो पता नहीं है, पर हमको तो पता है ना, हम तो जानते हैं ना कि कुल के नाश से क्या क्या दोष होते हैं। मित्रों के साथ विरोध करने से, उनको मारने से क्या क्या पाप होते हैं, ये तो हम जानते हैं ना। ये लोग नहीं जानते तो क्या हुआ? माना कि उनके विवेक को हर लिया है धन ने, लालच ने, ईर्ष्या ने, नशे से वो चूर हैं, पर हम तो जान रहे हैं ना। तो अभी भी अर्जुन कहां पर घिरा हुआ है? अपने ही कुल में, अपने ही कुल से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो संसार को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अपना 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 सोच रहा है, खुद का सोच रहा है, खुद को बचाने का प्रयास है ये। क्योंकि जिन्हें वो अपना कहता है वही तो उसके अहंकार को पोषित करते हैं, उसी से तो उसका अहंकार और अधिक बढ़ता है, उन्हीं को तो वो अपना कहकर अपने आप को कि अपने आप की पहचान बताता है। चूंकि अर्जुन अभी जी रहा है अहंकार से संचालित होकर, और अहंकार से संचालित होना माने संसार से जुड़ा हुआ है, वो संसार से ही उसने अपनी पहचान स्थापित कर रखी है,
तो जिन लोगों से, जिन मित्रों से, बंधुओं से, कुल के लोगों से उसने अपनी पहचान जोड़ रही है, अगर उन्हीं को खत्म कर दिया तो अर्जुन की पहचान भी मिट जाएगी, माने अर्जुन भी मिट जाएगा, फिर वो अर्जुन बचेगा ही नहीं जिसके कोई पहचान थी, फिर तो नया अर्जुन रहेगा जिसमें दुर्योधन आदि तो होंगे ही नहीं। तो अर्जुन युद्ध सिर्फ इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो संसार के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहा है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। और बात क्या कर रहा है, देखो इनकी इनकी बुद्धि को लालच ने हर लिया है और खुद की बुद्धि को हरा है, वो नहीं देख पा रहा है। तो हम क्या करते हैं जब सही निर्णय लेना होता है, तब हम भी यही करते हैं ना, अपनों का सोचते हैं बस कि अरे मैंने अगर सही काम करने निकल गया, मैंने अगर धर्म के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया तो मेरे अपनों के साथ तो ये होगा, वो होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर वास्तव में अगर तुम निकलते हो और तुम इस काबिल हो कि संसार में एक क्रांति कर सकते हो, बड़ा बदलाव ला सकते हो, कुछ सुधार सकते हो, तो संसार का कितना भला कर सकते हो तुम वो नहीं देखते। पर उस भला करने में तुम्हें अगर कुछ त्याग करना होता है, कुछ बलिदान करना होता है, कुछ सहना पड़ता है, तो तुम वो नहीं करते। हम ऐसे ही होते हैं इंसान, हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, इसलिए हमें डर लगता है कि ऐसा करने पर हम खुद ही मिट जाएंगे, हमारी ही अस्थि नहीं रहेगी। और दूसरी बात, अर्जुन जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कुल को मारने से जो दोष होते उनका दुर्योधन आदि को तो पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है ना, तो ये कुल के दोष होने की बात कहां पर आती है, उपनिषद तो ऐसे नहीं कहते। तो यहां पर अर्जुन क्या दर्शा रहे हैं, अर्जुन दर्शा रहे हैं आधे अधूरे ज्ञान को, अर्जुन दर्शा रहे हैं निचले दर्जे के ज्ञान को। अब अर्जुन उपनिषदों की बात तो यहां कर नहीं रहे होंगे क्योंकि उपनिषदों में तो ना तो कोई कुल है, ना कोई दोष है, ना कोई पाप है। आप अगर उपनिषदों के पास जाओगे, उनके ऋषियों के पास जाओगे, तो वो पूछेंगे कौन सा कुल, किसका कुल। तो अर्जुन वहां की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो यही हाल होता है और यह हाल अर्जुन का इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो उपनिषदों के अनुसार नहीं जी रहा है। उसके कर्म को कौन संचालित कर रहे हैं, वही निचले दर्जे के दो कौड़ी के, जिनको वो ग्रंथ माने बैठा है, जिनको वो धर्म माने बैठा है। तो जब हम जो धर्म की वास्तविक पुस्तक है, धर्म जो वास्तविक है, जो वास्तविक ज्ञान धर्म के बारे में हमें दिया जाता है, जब हम उससे वंचित रहते हैं, जब हम उससे दूर रहते हैं, जब अपना जीवन उसके अनुसार नहीं जीते हैं, उसको अपने जीवन का आधार नहीं बनाते हैं, तब हम ऐसे ही ऊटपटांग हरकतें करते हैं। एक तरफ तो धर्म ग्रंथों का उलाहना देकर हम कहते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, दूसरी तरफ हम धर्म जानते ही नहीं कि असली धर्म क्या होता है। बात हम धर्मों से ले आते हैं कि देखो उस धर्म में, उस ग्रंथ में, उस पुस्तक में ये बात लिखी है कि कुल का नाश अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या दोष लगते हैं, और एक तरफ हमें पता ही नहीं होता है कि असली धर्म होता क्या है। और ये सारे बहाने जो अर्जुन बना रहा है, वो सिर्फ इसलिए बना रहा है ताकि उसे युद्ध ना करना पड़े। जितनी भी वो दलीलें दे रहा है, जितने भी वो कुतर्क कर रहा है, जितनी भी वो चालें चल सकता है, सारे प्रयास वो कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसे युद्ध ना करना पड़े। और कौन से कुल का नाश बचाना चाह रहा है अर्जुन, उस कुल का जिसका नाश पहले ही हो चुका है। अगर कुल की थोड़ी भी परवाह रखते वो लोग, तो तुम्हें थोड़ी ना भगाया जाता, तुम्हें थोड़ी ना यूं बेघर किया जाता। और अभी कृष्ण क्या कर रहे होंगे, कृष्ण देख रहे होंगे अर्जुन को कि देखो देखो इंसान की बुद्धि, देखो इंसान के अहंकार को, कि किस तरह वो धर्म से बचने के लिए दलीलें देने लगता है, और जिससे वो मार्गदर्शन पाता है उस पर भी इल्जाम लगाने लग जाता है, किस तरह वो अपनी रक्षा के लिए, अपने को बचाए रखने के लिए, सारे संसार के कल्याण को, सारे संसार की शांति को दाव पर लगा देता है, किस तरह अहंकार उन सब को बचाने के लिए, उन सब वस्तुओं को, व्यक्तियों को बचाने के लिए जिनसे उसकी पहचान जुड़ी हुई है, धर्म और अधर्म का भेद भूल जाता है और वह मार्ग चुन लेता है जो अधर्म को ही बढ़ावा देता है। कितनी ही बातें कृष्ण के मन में भी चल रही होंगी, सोच तो रहे होंगे कि अर्जुन बना लो तुम कितने ही बहाने, युद्ध तो तुम्हें करवा कर ही रहेंगे।
क्योंकि युद्ध कुल का नहीं है, युद्ध धर्म और अधर्म का है। तुम हो गए अंधे अपने कुल के मोह में, अपने स्वजनों के मोह में, लेकिन मैं नहीं हुआ हूं, होगा मेरा भी कुल, लेकिन अगर वो अधर्मी है तो ठीक है, युद्ध करेंगे। अगर अधर्मी स्वजन है तो सजा उन्हें भी दी जाएगी, और उसके लिए अगर दोष लगेंगे भी हम पर, लांछने हम पर लगेंगी भी, हमको क्रूर कहा जाएगा, हमको हिंसक कहा जाएगा, तो स्वीकार है, किंतु आज और अभी जो आवश्यक है हम वो करेंगे। अगर हमें पाप लगता है तो लगे, किंतु हमारे पूरे होश और हवास में समस्त मानवता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए आज अगर युद्ध जरूरी है तो हम तुम्हें युद्ध करवाकर रहेंगे। और जिसको धर्म का ज्ञान होगा वो तो हमें सबसे ऊपर बैठाएगा, और जो होंगे निचले दर्जे के वो हमारे पास आने से भी कतराएंगे। तो अर्जुन उनसे विचार करने की कह रहे हैं, तो कृष्ण तो विचार कर ही रहे होंगे, पर कृष्ण के विचार वैसे नहीं है जैसे अर्जुन के हैं। कृष्ण सोच रहा है कि युद्ध से भागने का विचार करें, पर कृष्ण कह रहे हैं युद्ध से भागना नहीं है, युद्ध लड़ना है। एक बात तो ये कि तुम जिन्हें धर्म माने बैठे हो, जिनमें कुल और ये और वो फलाना ढिमका दोष पाप पुण्य बताए हैं, वो सब व्यर्थ की बातें हैं, और अगर वैसा है भी तो होने दो। आज और अभी जो उचित है और आवश्यक है और जो सही है, जो जरूरी है संसार के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, वो किया जाना चाहिए। और आगे चलकर कृष्ण फिर ये अर्जुन को समझाएंगे भी, बताएंगे भी, और अर्जुन को युद्ध करना भी होगा। पर अभी जो दशा है अर्जुन की, क्या यही दशा हमारी नहीं होती है? क्या हम इसी तरह से बहाने नहीं बनाते हैं सही काम को करने की जब हमसे कहा जाए तो? अभी हमसे अगर कुछ धर्मोचित कार्य जो सबसे जरूरी है, सबसे आवश्यक है, वो करने का कहा जाएगा तो हम क्या नहीं बनाएंगे बहाने? और सबसे पहले बहानों में हमारा यही होगा कि हमारे अपने क्या कहेंगे, घर वालों से कैसे निपटेंगे, उनका क्या होगा, उन्होंने इतनी मेहनत की हम पर, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारे माता पिता हम पर निर्भर हैं। देख लो, सबके माता पिता हैं आज तक जितने थे उन सबके हो, किसकी किसकी तमन्नाएं, किनकी ख्वाहिशें तुम पूरी कर पाए हो? सब लगे हुए हैं समाज में एक दूसरे से आगे निकलने में, और उसके लिए तुम वस्तुओं की तरह, मशीनों की तरह उपयोग किए जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। जितना आवश्यक हो उतना तुम करते हो, उसके बाद भी कमी लगती ही रहती है, पर चूंकि तुम भी फिर चाहते नहीं, कौन समस्याएं मोल ले, इसलिए तुम भी बहाने बनाते हो। तो जो अर्जुन की दशा है वही हमारी होती है, किंतु कोई भी दोष, कोई भी पाप, कोई भी अज्ञान, कोई भी कमजोरी नहीं टिक सकती अगर सामने कृष्ण खड़े हों, अगर हृदय में कृष्ण बसे हों। कौन से कृष्ण? वो कृष्ण जो गीता के उपदेशक हैं, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में, धर्म क्षेत्र में खड़े हुए हैं। वो कृष्ण अगर हृदय में है तो बाजुओं में शक्ति अपार होगी, मन फिर विचलित नहीं होगा। गांडीव क्या, तोपे तुम संभाल पाओगे? कुल क्या, समस्त संसार के अधर्मियों का विनाश कर पाओगे? पर उससे पहले कृष्ण को सुनना होगा, उनके पास आना होगा, उनके साथ जीना होगा। कृष्ण से दूरी का ही परिणाम होता है मन का विचलन, कमजोरी, डर, अज्ञान, मोह, भय, छुटपन। इसलिए कृष्ण के समीप आओ, और कृष्ण के समीप आना माने श्रीमद् भगवद् गीता, उनके पास आओ। बुला रही है तुम्हें, बस तुम्हारे कानों में दूसरी, तुम्हारे कुल की, तुम्हारे समाज की आवाजें इतनी तेजी से घुस रही हैं कि गीता की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। बहुत धीरे से आती है, लेकिन अगर प्रयास करो सुनने का तो सुना जाती है। सुनने का प्रयास करो।